राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्ष के बीच शीतकालीन सत्र के पहले दिन से चले आ रहे गतिरोध को बातचीत के जरिए दूर करने का आग्रह करते हुए सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी है। आज सुबह राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद शून्यकाल आरंभ होने ही वाला था कि सभापति ने कहा कि आज मेरी सदन के नेता और विपक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए आपस में सहमति बनाएं ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। आप लोग आपस में चर्चा करें। इसके लिए मैं सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित करता हूँ। सभापति ने 11:20 पर सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को मॉनसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के कारण इस सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर अड़ रहा है, जबकि सरकार इस बात पर अड़ी है कि जब तक ये सदस्य माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका निलंबन रद्द नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर संसद में लगातार विरोध चल रहा है, जिसके कारण राज्यसभा और लोकसभा दोनों नहीं चल पा रही है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।